हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन दोस्त में। दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए राजस्थान के जो प्रमुख मंदिर है उनके क्वेश्चन लेके आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर 85 क्वेश्चन है दोस्तों, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के प्रमुख मंदिर आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस वीडियो को। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दधिमती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? गोट मांगलोत नागौर। दधिमती माता दाहिमा ब्राह्मणों की कुलदेवी है। ये मंदिर 7वीं से 9वीं शताब्दी पूर्वार्ध में निर्मित है, जो प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित है। प्रश्न संख्या 2। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? राजा साहू, शिवाजी का पुत्र, RS Pre 2015। बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किनको दिया जाता है? जेम्स टॉड को। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों आप लाइक तो जरूर कीजिएगा। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ताकि मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सकेगा। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, व्याख्या है इस क्वेश्चन नंबर 3 की। चित्तौड़ का कस्बा कोटा के पास स्थित इस मंदिर का निर्माण 6वीं सदी में हूण शासक मिहिर कुल द्वारा करवाया गया था। तो प्रश्न संख्या 4। मोकल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है समिदेश्वर प्रसाद। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 4, जो मोकल जी के मंदिर है इनके नाम से प्रसिद्ध है समिदेश्वर प्रसाद। तो प्रश्न संख्या 5। खिमेल माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सिरोही में। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था? तो दोस्तों, ये 2 बार पुलिस परीक्षा में पूछा गया था। भांडा शाह जैन मंदिर बीकानेर। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू मंदिर। प्रश्न संख्या 8। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर में। अजमेर के निकट पुष्कर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पद्म पुराण में भी उसकी महिमा का बखान किया गया है। तीर्थराज पुष्कर में प्राचीनतम चतुर्मुखी ब्रह्मा मंदिर है। यहाँ के अन्य मंदिरों में रंगनाथ मंदिर, सावित्री मंदिर, वराह मंदिर आदि धार्मिक महत्व के हैं। प्रश्न संख्या 9। मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, मेड़ता सिटी, उदयपुर और राजसमंद। तो दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन थे, जो ऑप्शन थे प्रश्न के 4 थे। तो इसका सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़ और मेड़ता सिटी, दोनों जगह पर है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ और मेड़ता सिटी दोनों जगह पर है। पटवारी 2013 में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 10। किराड़ू का मंदिर किस जिले में है? बाड़मेर में। बाड़मेर जिले में हाथमा गांव के समीप स्थित किराड़ू 11वीं व 12वीं शताब्दी के कुल 5 शैव व वैष्णव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में सोमेश्वर मंदिर ठीक दशा में स्थित है। किराड़ू की स्थापत्य कला भारतीय नागर शैली की है। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? नवा टापरा गांव। प्रश्न संख्या 12। केले के पत्तों की सांझी के लिए प्रसिद्ध है नाथद्वारा। मेवाड़ के प्रयाग के रूप में विख्यात मातृकुंडिया किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। प्रसिद्ध मनमोहन मदन मोहन मंदिर स्थित है करौली में। थर्ड ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2013 के प्रश्न ये। पुष्कर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ब्रह्मा जी का मंदिर। लकड़ी पर चित्रों वाला जल मंदिर है कावड़। महर्षि जाबाली की तपोभूमि के नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? जालोर। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर में। प्रश्न संख्या 19। अभानेरी पर्यटन स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? 8वीं शताब्दी के मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या है 5। रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? पाली में। पटवार और सेकंड ग्रेड में पूछा गया था दोस्तों ये, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर पाली में। प्रश्न संख्या 22। ओसिया में अवशेष पाए गए हैं 100 के अधिक जैन व ब्राह्मण मंदिरों में। जो ओसिया में अवशेष किनके पाए गए हैं? 100 से अधिक जैन व ब्राह्मण मंदिरों में। तो प्रश्न संख्या 23। राजस्थान में अकबर की मस्जिद स्थित है आमेर जयपुर में। याद रखिएगा दोस्तों, अकबर की मस्जिद अजमेर में नहीं है, जयपुर में है। तो दोस्तों, आमेर जयपुर इसका सही आंसर होगा। इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, अगर अकबर का किला है अजमेर में तो अगर मस्जिद का क्वेश्चन आ जाए तो आप आमेर जयपुर करिएगा। प्रश्न संख्या 24।
खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है खाटू सीकर जिले में। 33 करोड़ देवी देवताओं का गद्दी कहाँ स्थित है? मंडोर जोधपुर में। बीकानेर के महाराजा राम सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर किस मंदिर की स्थापना की थी? माँ भद्रकाली मंदिर। मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है भगवानपुरा बांसवाड़ा। प्रश्न संख्या 28। नाथद्वारा मंदिर का निर्माण किसने कब करवाया था? राज सिंह ने 1691 ईस्वी में करवाया था। 1691 ईस्वी में राज सिंह ने। दोस्तों गलत युग को पहचानना है क्वेश्चन नंबर 29 में, तो जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है ये गलत है, तो मैं सही ऑप्शन बता देता हूँ। पहले जो ब्रह्मा मंदिर है ये पुष्कर में है, मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, और सालिम सिंह की हवेली है जैसलमेर में, और जो नथमल की हवेली है जो इसका गलत आंसर है उसका सही होगा, जैसलमेर में नथमल की हवेली स्थित है। तो प्रश्न संख्या 30 इसमें जो सही युग में है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जो सूर्य मंदिर है ओसिया में है, देलवाड़ा मंदिर आबू में है, महानालेश्वर मंदिर मैनाल में है, और जो जगत शिरोमणि मंदिर है ये जो है जयपुर में स्थित है, तो इसमें अजमेर दे रखा है, तो आप याद रखिएगा जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पे है? जयपुर में है। प्रश्न संख्या 31 कुशला माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराज कुंभा ने करवाया था कहाँ स्थित है? बदनौर में। गुलाब खां का मकबरा कहाँ स्थित है? जोधपुर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा किया गया? शाहजहां द्वारा। प्रश्न संख्या 34 आबू के प्रसिद्ध मंदिर लुवन शाही और बीमल शाही है जैन मंदिर। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण कराया गया प्रतिहारों द्वारा। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति औरंगजेब के समय कहाँ से लाई गई? वृंदावन के जतिपुरा से। प्रश्न संख्या 37 आबू के पर्वत में जैन मंदिर किस शासक द्वारा बनवाए गए थे? चौलुक्य सोलंकी। पुष्कर के ब्रह्म मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ है? आसुतरा बाड़मेर में। तो दोस्तों याद रखिएगा आसुतरा। प्रश्न संख्या 39 कपिल मुनि का मंदिर कहाँ स्थित है? कोलायत बीकानेर में। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है जैन मंदिर कला के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, देखिए पुलिस RSRTC सेकंड ग्रेड और SI। तो दोस्तों याद रखिएगा आप राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है जैन मंदिर कला के लिए। प्रश्न संख्या 41 बाडोली के मंदिर किस शैली से संबंधित है? नागर। बाडोली के मंदिरों को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल जेम्स टॉड ही है। बाडोली में कुल 9 मंदिर है जो 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य है। प्रश्न संख्या 42 हिंगलाज माता मंदिर जिसमें सम्राट अकबर ने भी पूजन किया था कहाँ स्थित है? लोधरवा जैसलमेर। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस जिले में स्थित है? श्रीगंगानगर। राजस्थान में एक देवी मंदिर जहाँ चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं करणी माता मंदिर बीकानेर। एक लिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया बप्पा रावल ने। SI CID 2002 में पूछा गया था ये। प्रश्न संख्या 46 पे आ चुके हैं दोस्तों। आबू के किस मंदिर में पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित है? चौमुखा मंदिर। राजस्थान में मेवा नगर नाकोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए। देलवाड़ा मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? 3 एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013। तो प्रश्न संख्या 49 पे आ चुके हैं दोस्तों। 49 सोमेश्वर मंदिर राजस्थान के रेगिस्तान के किस बड़े शहर के पास है? बाड़मेर। सास बहू का मंदिर स्थित है नागदा में। प्रश्न संख्या 51 कौन सी चोटी भगवान विष्णु के अवतार दत्तरात्रेय के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? गुरु शिखर। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा है? एक लिंगनाथ जी। तो प्रश्न संख्या 53 त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तलवाड़ा बांसवाड़ा। किराड़ू सोमेश्वर मंदिर है गुजर प्रतिहार शैली का सेकंड ग्रेड मैक्स 2010। क्वेश्चन नंबर 55 ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? वत्सराज। दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा हमारे इस वीडियो को। प्रश्न संख्या 56 किसकी स्मृति में राजा मानसिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया? जगत सिंह पुत्र।
तो दोस्तों पुत्र की याद में कराया था। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 57, रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? आदिनाथ। रणकपुर में बने जैन मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और जैन संस्कृति के आध्यात्मिक वैभव की याद दिलाते हैं। इस मंदिर में ऋषभदेव जी भी चतुर्मुखी प्रतिमा होने के कारण इसे चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण कुंभा के शासनकाल में जैन सेठ धरनक शाह ने करवाया था। इस मंदिर का शिल्पी दीपक था। तो दोस्तों याद रखिएगा ये व्याख्या। प्रश्न संख्या 58, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? मघाई। प्रश्न संख्या 59, किस शासक जो किस शहर में गंगा मंदिर स्थित है? भरतपुर में गंगा मंदिर। तो और नागौर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? हमीमुद्दीन नागौरी। तो याद रखिएगा नागौर हमीमुद्दीन की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है, पटवार में पूछा गया था दोस्तों ये। तो प्रश्न संख्या 61, प्रसिद्ध किराड़ो मंदिर किस शैली के हैं? गुर्जर प्रतिहार। रणकपुर के मंदिर हैं जैन मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे हैं? दोस्तों याद रखिएगा ये कृषि पर्यवेक्षक और सेकंड ग्रेड में दो बार पूछा गया दो क्वेश्चन है। 1444, 1444। जनकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे? 1444। प्रश्न संख्या 64, आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था मानसिंह द्वारा। बाड़मेर में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता संबंधित है? मल्लिनाथ जी। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जालौर जिले में। केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? करौली में। क्वेश्चन नंबर 68, राजस्थान में सोमनाथ मंदिर जो स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है स्थित है? भानगढ़ RSRTS में पूछा गया क्वेश्चन है। और तनोट देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। तो याद रखिएगा आप क्वेश्चन नंबर जो 73 पे आ चुके हैं दोस्तों अपन। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में। राजस्थान में सूर्य को समर्पित प्राचीनतम मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है जो अब कालिका माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मशहूर विमल शाही व लोवण शाही मंदिर कहाँ स्थित है? देलवाड़ा। तो दोस्तों इसकी व्याख्या है, विमल शाही मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य महाराजा भीमदेव एवं मंत्री एवं सेनापति विमल शाह ने महान शिल्पकार कीर्तिधर के निर्देशन में करवाया था। यह मंदिर प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव का है। लोवण शाही मंदिर 22वें तीर्थकर नेमिनाथ को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य शासक वीर धवल के महामंत्री वास्तुपाल व तेजपाल ने करवाया था। इस मंदिर का मुख्य शिल्पी शोभन देव था। दिवाली में देवरानी जेठानी के गोखड़े निर्मित है। प्रश्न संख्या 75, लवकुश के जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध स्थल है सीताबाड़ी। देलवाड़ा स्थित है आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो देलवाड़ा है वहां पे आदिनाथ का मंदिर है तो इसका निर्माण करवाया था विमल शाह ने। गुजरात के सोलंकी शासक ने आबू पर विजय प्राप्त कर पोरवाड़ महाजन विमल शाह भीमदेव को वहां का दंडपति नियुक्त किया। विमल शाह ने आबू पर 1031 ईस्वी में आदिनाथ का भव्य मंदिर बनवाया था। तो दोस्तों मैं आपको कम समय में अधिक क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। प्रश्न संख्या 77, प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा का संबंध किस जिले से है? बाड़मेर। केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? करौली में। क्वेश्चन नंबर 79, गोडवाड़ सिरोही आबू मेवाड़ व गुजरात में जैन धर्म में एक तीर्थकर के जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई है। ये जीवंत स्वामी के तीर्थकर है महावीर स्वामी, सेकेंड ग्रेड में पूछा गया था, थर्ड ग्रेड में। और अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर का किस संप्रदाय संबंधित है? तो इसका आंसर होगा लकुलिश। तो दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या है, उदयपुर में स्थित एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक बप्पा रावल द्वारा करवाया गया। मेवाड़ के महाराणा एकलिंग जी मेवाड़ का शासक व स्वयं को उनका दीवान मानते थे। क्वेश्चन नंबर 81, गुरुद्वारा बुड्ढा झोड़ स्थित है रायसिंह नगर गंगानगर में। बारह देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है जयजापुर में। तो याद रखिएगा दोस्तों बारह देवरा जो है जो शिव मंदिर है ये जयजाजपुर में स्थित है। महिला पर्यवेक्षक 2015 जो
वुमेन सुपरवाइजर के पेपर होता है उसमें पूछा गया था ये। और अगला क्वेश्चन भी राजस्थान में चुंगित स्थित है चुंगी तीर्थ जैसलमेर में। तो दोस्तों याद रखिएगा प्रश्न संख्या 84 84 ये भी महिला पर्यवेक्षक में पूछा गया था 2015 में। तो द्वारिकाधीश जी का जो मंदिर है वो है कांकरोली में, श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथद्वारा में, और मथुराधीश जो है उनका मंदिर है कोटा में, और गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में। तो यहाँ सभी सम्मिलित करके लिखे गए हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, देव यानी तीर्थ स्थल स्थित है सांबर झील में, पटवारी परीक्षा 2013। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को एजुकेशन दोस्त बाय रिभव शर्मा को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक तो आप जरूर से कीजिएगा ताकि मुझे पता चले आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, ताकि मैं आगे इस वीडियो की सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा और आपको अधिक सहायता और अधिक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनकी ही वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जो चैनल है एजुकेशन दोस्त इसके आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद राजस्थान जीके पे आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ मैंने राजस्थान के संपूर्ण जीके के सभी टॉपिक की वीडियो बनाई हुई है। तो आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देख पाएंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा आप, और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो आपको जो पूरा वीडियो है आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।